अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बिल्डर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको किचन का पैनल लगाने के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये आपको दीवार के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये हमने एक दीवार के ऊपर पैनल लगाया है, जो कि पहले किचन बना हुआ था। पहले इसके नीचे हमने मार्बल लगाया है और अब इसकी दीवारों पर दो दो फुट स्कॉटिंग यानी कि दो दो फुट टाइल लगा रहे हैं। दोस्तों, टाइल लगाने के लिए आपको मिक्सचर की ज़रूरत होती है, जो स्पेशल टाइल के लिए बना होता है, उसे हम बाउंड कहते हैं पंजाबी ज़बान में। आप उसे अपनी ज़बान में कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, बाउंड लगाने के लिए उसको पहले सबसे पहले आपको ने उसको बनाना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अगर आप सख्त बाउंड बनाएंगे तो आपकी टाइल टूटने का ख़तरा होता है। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले इसको नरम करना है। नरम करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर टाइल के ऊपर लगाना है कि पहले टाइल लगा कर देखनी है कि इसको ज़रूरत कितनी है, उसके हिसाब से आपने बाउंड लगाना है। बाउंड लगाने के बाद फिर आपने टाइल लगानी है और फिर आपने टाइल को बिल्कुल लेवल चेक कर लेना है, कहीं से थोड़ी सी ऊंची या नीची तो नहीं है। अगर इसका लेवल थोड़ा सा भी आउट हुआ तो आगे जाके आपको मसला बनेगा। तो सबसे पहले आपने जो बाउंड है वो आपने लेवल के अंदर लगाना है। आपने पहले बाउंड लगा लिया, बाउंड लगाने के बाद उसकी मुकम्मल अच्छे तरीके से लगाना है और फिर आपने उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ कितनी कमी है। तो जहाँ आपको कमी महसूस हो तो आप उसमें बाउंड ज़्यादा लगा लें, या ज़्यादा हो तो वहाँ से उतार लें। और जब आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टाइल बिल्कुल खूबसूरत और अच्छे तरीके से खुद ब खुद लगती चली जाएगी। तो ये जो मेरा तरीका है ये मैंने आपको बता दिया है, मैं इसी तरह ही टाइल लगाता हूं। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। तो ये आपको टाइल नज़र आ रही है, ये टवीरा कलर की टाइल है जो कि नीचे टाइल लगी हुई है। तो ये इस वक्त हमारा किचन पैनल बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है।